आफ्ना परम्पराअनुसार यो बाँस र पत्ताले बनाएको टोपी आगन्तुकलाई शिरमा लगाएर आदिवासीहरू यसरी स्वागत गर्ने गर्दछन्। तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सूचना संसार मनोरञ्जन र सामाजिकरणको प्रयास युएसए नेपाल। दर्शक मानवहरू, अहिले हामी भारतको छत्तिसगढ राज्यको यो झरना भन्ने गाउँमा गइरहेका छौँ, जहाँ जङ्गलमा बस्ने आदिवासी जनजातिसँग हामी भेटघाट गर्न लागिरहेका छौँ र भर्खरै हामी सवारी साधनबाट यहाँ आइपुगेका छौँ। आफ्ना संस्कृति अनुसार हामीलाई स्वागत गर्नको निमित्त यहाँ एउटा गेटको निर्माण गरिएको छ, यस गेटलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र स्वागत गर्नको लागि यहाँका आदिवासी जनजातिहरू आइरहनु भएको छ। एकदमै राम्रो छ, फुलहरूलाई प्रयोग गर्दा एकदमै अर्ग्यानिक टाइपको आदिवासीले वेलकम गर्नुभयो। यहाँ देखिरहेको छ आदिवासी युवा समूहका लिडर अगुवा हुनुहुन्छ। जय जवान, जय जवान, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय जवार, जय जवार। अभी स्वागत है जो हमारे साथी जो बाहर से आए हो मल्ला, और हम यहाँ पे अभी जो बैठे हैं कुछ लोग है ना, हम बात करने की कोशिश करबो, एक दूसरा के हम परिचय करबो है ना, और समझे की कोशिश करबो, और जो भी हमारे जैसे भी हम जो सिचुएशन है या जो भी हमारी स्थिति परिस्थिति है वहाँ के हम जाने की कोशिश करबो, यहाँ के थोड़ा बताए की कोशिश करबो, ठीक है, और फिर थोड़ा से परिचय हम अभी करथन। और ये है झरना विलेज है, ये गांव है ना, और जैसे कि एलसीपी में जो कॉन्फ्लिक्ट का जो इशू था जिसको लखन लोग वहां प्रेजेंटेशन किया था, यहाँको खानपान एकदमै अर्ग्यानिक नै छ भन्नुपर्छ, किनभने यो खाजा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यहाँ जङ्गली तरुल अनि यो बयर साथी यो केही कुराहरू यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ, र हामीलाई जुन एउटा जुस प्राप्त भएको छ त्यो जुस पनि एकदमै फुलबाट बनाएको जुस हामीलाई उहाँले पिलाउनु भएको थियो, यो एकदमै शुद्ध अर्ग्यानिक। खोद खोद के खाते है ना, जमीन से मतलब 4-5 फीट 6 फीट तक गड्ढा खोद के निकालते हैं। अपन आप होते कि उगाते तुम? नहीं नहीं, जंगल में रहते हैं, जंगल नेचुरल है, जंगल में। ओके ना, तो ये है
छोटे से गाना गाऊँ आप सभी में दूर आऊँ रे हाय डारा लोर गेना बैठे है चिड़ैया डारा लोर गेना वही पहाड़ से माने वो चाहली माने पानी का उपकारा हुआ और उसमें धार झरझर झरझर बारह महीना बह रहा था है उसी के लिए हम सोचा कि अब पुरखावन सोचिन हो ही और सोच के वोला कहें कि इसका नाम क्या धरे जाए तो इसका नाम झरना धरे जाए इसे करके यही नाम धरा है। वो है ना ये जो पहाड़ है ना उधर दिख रहा है हम जाएंगे तो वहाँ ना इस पहाड़ का नाम अठारानी पहाड़ है ना उसमें क्या है ना पहले बहुत पानी इसे गिर रहे थे वो पानी झरझर के गांव में एक नाला है वो पानी इसे आता था है ना बारह महीना वो पानी आता था मैं 12 मंथ वाटर इज फॉलिंग उसी का नाम पर है गाँव का पुरखा लोग मतलब बहुत पुराना जमाने में लोग जो है इनका पिताजी का टाइम होगा पिताजी का पिताजी जो है ना इस पहाड़ का नाम अठारानी है इसमें जो जात बहुत है हाँ जीव जंतु भी है सोना चांदी भी है और इसमें पूरा रानी बैठा हुआ है उसमें सब राम भगवान है शंकर भगवान सब है कौन में सोना चांदी है ये देख यही पहाड़ में और वो लोग ना वो पहली वो बाढ़ी में धान जो गरीब मन भूख मरत रही थे ओला वो देत रही से मतलब ये एक मान्यता है जो उठ रानी जो मतलब रानी है रानी मतलब राजा का ही होता ना बोले कि इनका मानना है कि ये जो पहाड़ है पहाड़ में बहुत सारी जो सोना रोपा जो होता है ना जो वो सारी चीज़ है और इसका अलावा यहाँ बहुत सारे जीव जंतु भी है पहाड़ में है ना उसको छोड़े और ये एक मान्यता अभी कि जैसे पहाड़ के नीचे जो लोग रह रहे थे जिसका मतलब खाने पीने को दिक्कत होता था तब वह उस टाइम पर जो रानी थे वो उनको अनाज देते थे खाने पीने के लिए कोई भूखे नहीं रहते थे उसका मान्यता ये है और कुछ कितना साल हो गया कितना पीढ़ी हो गया इस गांव बैठते हुए हम लोग तो तीन पीढ़ी हो गए तीन पीढ़ी हो गए तीन पीढ़ी हो गए यहाँ पहली दो घर के 75 साल तीन पीढ़ी दो घर के थे पहले दो घर के रहने अच्छा ओखर बाद में एक कमर पेकरा इस चार घर चार के ओखर विस्तार बढ़ गए पहले कौन से घर थे बैगा और सौता मतलब ये तो समझ पहले दो घर के थे है ना सौता समुदाय का और बैगा समुदाय का फिर इसके बाद जो दूसरा जाति है कौर जाति वो लोग फिर आकर बैठे हाँ यहाँ कंवर जाति है भाई और फिर यादव राउत हवाई यादव राउत भी है और सौता हवाई और बैगा हवाई चार जात के लोग हैं है ना चार समुदाय के लोग यहाँ इस गांव में अभी बैठते हैं कितना घर हो जाएगा अभी अभी वही 30 परिवार है अभी 35 परिवार है और सब जात को मिला 35 परिवार परिवार है
পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে না, এর থেকে আগে যখন এরা এসেছিল তো এখান থেকে অনেক ঝর্ণা বেরোতো, তাই বেসিক্যালি এই জায়গাটা ঝর্ণা নাম দিয়েছে এরা। আর এখানে চারটে সমুদায় আছে, সমুদায় বাইগা কাওয়ার আর যাদব। পহিলে শুরু না দু ঘর কে রইনে, আর দুটো ঘর থেকে শুরু হয়েছিল বাইগা আর সওতা, ওরা এখান থেকে শুরু করেছিল, এখন ওরা 25টা পরিবার আছে। उसके बाद কাওয়ার লোক আছে। সওতা বাইগা আর ابھی پورا 35 পরিবার হয়ে গেছে। হ্যাঁ 35 ঘর হবে। বাইগা বাইগা না বাইগা ভি এদার নাগরিকতা কাস্ট সার্টিফিকেট কে বহুত জাদা দেখনা পড়তা হামারে নেপাল মে তো মিল জাতা হ্যায় নাগরিকতা কে ও কাস্ট লিখা হুয়া হোতা হ্যায় উসমে সে মিল জাতা হ্যায় নাই তো ইন লোগ কে পাস ও জো বৈগা জনজাতি কা বোল কে হ্যায় না ও নাই হ্যায় वहाँ पे एक थोड़ा पॉलिटिक्स है कि अगर बैगा जनजाति में इसे घोषित कर दिया तो सरकार को सब स्कीम इसको देना पड़ेगा, तो वो इधर उधर करता रहता है। संस्था नहीं है क्या वो ऐसा कास्ट को प्रूफ करने का, ऐसा ऑफिशियल ये कास्ट का है? अब ये नहीं है, अब लगा रहे हैं কেলা ইত্যাদ আচ্ছা ও বা उहाँसँगको भेटघाट सकिसकेपश्चात उहाँहरूको गाउँमा एउटा कम्युनिटी जस्तो एउटा ठुलो हल रहेछ, एउटा घरै भनौँ, र त्यहाँ गएर हामीले फेरि खानामा सहभागी भएका छौँ उहाँहरूको स्वागत सम्मानमा। यहाँ देखिरहेका छौँ एकदमै टपरीमा यो खानाहरू एकदम स्वादिष्ट छ खाना, एकदमै सागसब्जीहरू एकदमै तरकारीहरू एकदमै मिठा स्वादिष्ट छ, बासमा नै एकदमै कडा आउने खालको एकदमै राम्रो खाना हामीले खाइसके पश्चात पुनः हामीले फर्कने क्रमको हामी तयारी गरिरहेका छौँ। मिठो लाग्यो यो गाउँका सबै मानिसहरूले यही इनारबाट निकालेको पानी पिउने गर्दछन्। यहाँ कल छैन, गाडनले एकदम गाह्रो छ, खानेपानीको समस्या पनि छ। आफ्नो इधरको पानी खाता है, इधरको पानी खाता है। यो कितना साल पहिले यो बनायो? चार पाँच साल पहिले। यसका अलावा अरू पनि है पानी खाने का जग्गा? ऐसा वाला नमुना का है? इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा हो गया। तो इसका पानी खाता है? इस समय में तो नहीं। तो इसमें ये पानी फोर नहीं है, इसका ऊपर से ये पात इधर कुछ ऐसा गिरता है ना अंदर? ना सर, ये बर बिहाव होता है तो इसमें मोटर सेट करता है तो पाइप फंसाता है तो सब घर जाता है। फिर हमें अर्को आदिवासी गाँव में छो इस समय रो इनार अर्को आदिवासी गाँव को यहाँ पर इनार बड़ा पानी पीने कर यहाँ को आदिवासी संग हमें थोड़े भलाखुसारी करने। ये कितना इसका अंदर कितना फीट है? ये है सर 30 फीट है सर, 30 फीट है, 3.5 किलो चावल 30 फीट गहरा है सर। तो एक महीना में कितना लगा? करीब 90 किलो, 35 मिनिमम 90 किलो, 100 किलो। नेपालका आदिवासी जनजातिहरू जो प्रकृति पूजक हुन् उनीहरू जस्तै यहाँका आदिवासीहरू पनि प्रकृतिलाई पूज्ने गर्छन्। यो रुखको मुनि उनीहरूले यो पुज्ने देवस्थलहरू निर्माण गरेका छन् र यहाँका आदिवासीहरूको
पनि जीवनशैली करिब करिब नेपालको आदिवासीसँग मिल्दोजुल्दो जस्तै देखिन्छ। वृक्षका नाम करम आदिवासी जनजाति धंधा तो हमारे वो जनजाति कौन सा है सौता धनवार सौता 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 जनजाति तो नहीं है सौता जनजाति जनजाति है। कितना टाइप का जनजाति है इधर? यहाँ पे करीब 10-12 तरीके का है इस गांव में, लेकिन आपको सौता और धनवार मिलेगा। हाँ मिलेगा, लेकिन वो आगे है। सौता ज्यादा मिलेगा? हाँ सौता ज्यादा है। आप लोग का है ना इधर कितना वर्ष आगे से इधर बैठा है आप लोग? यह तो 100 साल से हो रही है। 100 साल से ज्यादा है। तो पहले तो इधर बहुत घना जंगल हो। हाँ घना घना पहले रहता है सर, लेकिन अब घना अभी कम हो गया। अब इधर का जनसंख्या कितना है? जनसंख्या तो हमारा 150 है सर। 150 इस गांव में? इस गांव लाल माटी में। लाल माटी ये गांव का नाम लाल माटी है। आप लोग जो पूजा आराधना करता है ना, उसमें कोई भी ऐसा भगवान का नाम नहीं है, प्रकृति का पूजा करता है? हाँ प्रकृति की पूजा करते हैं, और राम भगवान के ही पूजा राम भगवान की भी करता है। तो आप लोग को फेस्टिवल वो चार कौन सा चार मना कौन सा कौन कौन सा त्यौहार मनाते हो आप? हम त्यौहार तो हम गरीब आदमी वो मनाते हैं। पहली आता है पहली प्रथम। यहाँ का आदिवासी जनजातिले जाने बेलामा बिदा गर्नको निम्ति एउटा गाना सुनाउने निर्णय गरे, र यस गानामा नेपाल बङ्गलादेश इन्डिया लगायत सबैजना मिलेर रमाइलो गरिरहेको छ। अब पनि हामी हाम्रो निवास स्थलतर्फ फर्कने क्रममा छौँ। यसरी नै हाम्रो यो यात्रा पुरा भएको छ। भेटेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई शुभलाई धन्यवाद। यस्तै अन्य रमाइलो भिडियोहरू कुराकानी